हेलो दोस्तों, मैं साधना टेरेस गार्डन से साधना बात कर रही हूँ। ये आप मेरे पपीते का पेड़ देख रहे हैं दोस्तों। देखिए, मैंने अभी इसी गमले में से इसको निकाला है। देखिए जड़ इसकी कितनी प्यारी आ रही है। रूट्स आप देख सकते हैं दोस्तों, इस पेड़ को देख सकते हैं। ये मेरी पपीता की अपडेट वीडियो है दोस्तों। ये देखिए, मैं आज इसको दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ दोस्तों। ये आप रूट्स देख सकते हैं दोस्तों। बस यही तरीका है, सिंपल सा। मैंने ये पेड़ को, इसको थोड़ा मिट्टी में पानी डाल के, बारिश के भी पानी आ रहा था दोस्तों, बस इसको ऐसे निकाल लिया है दोस्तों आराम से। अब इसके ऊपर हम ये मिट्टी डाल के चारों तरफ सेट कर देंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें केंचुआ भी दिख रहे हैं। इसमें हमने ये मिट्टी डाल दी है जिससे कि पेड़ आराम से सद सके। बस इसको हम ऐसे हल्का हल्का दबा देंगे। मिट्टी की रूट्स बाउंड नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये सिंपल सा तरीका है। इसमें हम और मिट्टी डालना चाहें तो ऐसे डाल सकते हैं दोस्तों। ये मेरे पास कोकोपीट है, कोकोपीट भी इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो अच्छा रहेगा। कोकोपीट में मैंने इसमें, ये देखिए, ये कंपोस्ट है। कंपोस्ट जो हमारे साग सब्जियों का, फलों का कचरा निकलता है दोस्तों, वो मैंने इसमें डाली हुई है। ये देखिए, आम की गुठलियाँ हैं, ऑनियन के छिलके हैं। मेरे यहाँ के जो भी साग सब्जी का वेस्टेज निकलता है दोस्तों, मैं उसको पेड़ पौधों में डालने के लिए कंपोस्ट बना लेती हूँ। कंपोस्ट आप डायरेक्ट नहीं बनाना चाहें दोस्तों, तो देखिए ऑनियन भी है। डायरेक्ट नहीं बनाना चाहें तो दोस्तों, आप बस ऐसे ही पेड़ पौधों में अंदर की तरफ सब्जियों को डाल दें तो वो कंपोस्ट अपने आप ही बन जाती है। देखिए दोस्तों, ये मैंने आज पपीते का पेड़ ट्रांसप्लांट किया है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, मैंने एक और दूसरा किया है और तीसरा किया है। अभी ये थोड़े झुके झुके नज़र आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी जगह बदली है दोस्तों। कोई भी जना जगह बदलता है, जैसे इंसान ही रख लीजिए, तो उनको संभलने में, सेट होने में देर लगती है, टाइम लगता है। इसी तरह से एक इंसानों की तरह से पेड़ पौधे हैं दोस्तों, उनको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। बस अब इसमें हम कंपोस्ट बीच बीच में बढ़ाते रहेंगे जब बढ़ाना चाहें। और ये क्या नाम है, केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बना के डालते रहेंगे, जो उसका रस निकलता है वो पानी में रह जाता है, और पानी को हम लेके इन पेड़ों में डालते रहते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। इसमें बस हल्का हल्का पानी डाल दें और कुछ नहीं करना है। आप मेरी वीडियो देखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।